तो आज की हमारी इस पिवट टेबल की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। पिवट टेबल में रिलेशनशिप कैसे यूज होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो इसके लिए हमें एक डेटा लेना होगा। चलिए एक डेटा हम लेते हैं। उससे पहले जानिए कि आखिर रिलेशनशिप का क्या मतलब, क्या है, यूज क्या है, पहले इस चीज को हम एक बार समझ लेते हैं। एक छोटा सा हम यहीं पे निकालते हैं, जैसे कि एक छोटा सा हमने निकाला, यहाँ पे कॉपी करके एक नई सीट पे रख देता हूँ मैं। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। एक मिनट अभी दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग की परमिशन राहुल जी मैंने आपको दे दिया, भगवान लाल जी नहीं मोबाइल ज्वाइन किए, राकेश जी भी मोबाइल ज्वाइन किए। आपके पास डेटा है, ये हमारा सेल्स का डेटा है। इस सेल्स के डेटा में मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट का डाल दिया, प्रोडक्ट कोड डाल दिया, राइट। नहीं यहां पे एक मिनट, बैच, ये तो थी इसका ज्वाइनिंग का है ना, तुमने बैच कोड डाल दिया, ठीक है। ये हमारा बैच कोड है जो दिन 10 बैच हमारा चलता है। कौन सा बच्चा किस बैच में पढ़ रहा है, एक डेटा में हमने ऐड कर दिया। अब दूसरे सीट पे हमारा बैच लिस्ट है, यहां पे बैच आईडी बीआईडी हो गया, टाइम हो गया, और भी चीजें हो सकती है, फिलहाल इतना रख देता मैं। तो यहां पे मैं 1 से लेके 10 तक कर देता हूं, और यहां पे साइज। तो साइज में यहाँ पे टाइम मान लीजिए ये हमारा 6 AM, देते हैं कि मेरे पास बैच की जो साइज है वो साइज। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझ, मेरे पास ज्वाइनिंग की डेटा है, बैच रनिंग है मान लीजिए उसका डेटा है कि किस डेट को कौन सा नेम कौन से कोर्स के लिए किस बैच में ज्वाइन किया है वगैरह, राइट। और यहाँ पे बैच कोड है हमारा, तो हमें ये देखना है बैच वाइज, बैच में टाइम वाइज कि टाइम वाइज साइज के अकॉर्डिंग कितना लोग ज्वाइन कर चुके हैं, समझे, कितने लोगों ने ज्वाइन कर चुका है। हम टाइम वाइज चाहिए क्योंकि अगर हम इस पे पिवट लगाएं तो पिवट में क्या होगा कि इसमें तो टाइम है नहीं, टाइम का बैच कौन सा बैच किस टाइम पे है, जैसे बैच नंबर 6 जो है वो है हमारा 11 बजे के टाइम पे, टाइम चेंज होते रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए ठंडे के दिन में मैं 6-7 से स्टार्ट करता हूँ, गर्मी के दिन में मैं 6 से स्टार्ट कर देता हूँ, दोपहर में कुछ बैचेज नहीं होते हैं जैसे 11 के बाद 4 तारीख, ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये रिपोर्ट निकालनी है टाइम वाइज और कितना ज्वाइन हुआ और कितना स्लॉट था। तो प्रॉब्लम ये है कि बैच कोड से यहां से उठाना है, तो अगर नॉर्मल बात करें तो वी लुकअप लगाएंगे इसके लिए, क्या लगाएंगे, वी लुकअप। देखिए मैं डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पिवट में जो होना है वो हो जाए। तो इसके लिए मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया और नीचे आपको दिख रहा होगा
एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, मैंने इस पर क्लिक किया एंड ओके कर दिया। ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इंतजार कीजिएगा। फिर मैं बैच वाले पे गया और इसको भी मैं इंसर्ट पिवट टेबल और ऐड यहां पे ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल करके ओके कर दिया। अब दोनों पिवट का डेटा डेटा मॉडल में ऐड हो गया है। अब मुझे ये बताना है कि दोनों डेटा के बीच में कॉमन कौन सा है, मतलब कि कॉमन कौन सा है। तो हमने बोला कि जो बैच कोड है वो इस डेटा के बैच कोड ही है, तो क्या करें बैच कोड से निकालेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम रिलेशनशिप लेंगे तो एक में डेटा रिपीटेड होगा और दूसरे में डेटा यूनिक होगा, मतलब कि कोड हमारा यूनिक होगा, दो रिलेशनशिप लगेगी। फिर पिवट टेबल के हम यहाँ पे एनालाइज में आते हैं। आप देखिए रिलेशनशिप हमारा एक्टिवेट हो गया, इससे पहले हमारा एक्टिवेट नहीं था। किसी भी दोनों पिवट में से किसी पिवट पे चले जाइए और यहाँ पे रिलेशनशिप पे आइए। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि बताना होता है कि दोनों डेटा में कॉमन कौन सा है। तो हमने न्यू पे गए और हमने बोला कि रेंज, इसको क्या होता है कि पहले ज्वाइन को रेंज मान लिया और बैच को रेंज वन मान लिया। तो रेंज का हमने बोला कि बैच कोड, हमने बोला रेंज वन का बीआईडी एक कॉमन है, फिर ओके कर दिया एंड इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहां देखिए ऑल आपको दिखेगा, ऑल में रेंज रेंज वन, तो हमें रेंज वन का चाहिए टाइमिंग, हमने यहां पे टाइमिंग रख दिया। यहां पे हमने टाइमिंग रख दिया और रेंज का चाहिए ज्वाइनिंग, हमने उसको ज्वाइनिंग यहां पे रख दिया। ये पता चल गया कि किस बैच में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, जो बैच का साइज है उस साइज में यहाँ रख देता हूँ, ये हमारा साइज आ गया। अब मुझे इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा। एक मिनट करके देखता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन जो आप करते हैं वो नहीं होगा। तो हमने यहां पे बुलाया या फिर अवेलेबल, यहां पे ऐड रो क्लिक करता हूं, एक मिनट इसको नीचे काउंट ऑफ रेंज नहीं, तो सेट आएगा यहां पे फॉर्मूला लगाने का सिस्टम नहीं है। यहां पे नहीं लगा सकते, यहां पे सेट यूज हो सकता है। यहां पे ऐड कर दिया आपने एक्सेल काउंट रेंज, सेट आ जाएगा, ये सेट अलग होता है, इसका अलग रोल है। इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत होती है, कैलकुलेशन के लिए पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम निकाल के दे दिया। समझ में आया कि नहीं सर? जी सर। एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरे एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, तो एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। मैं एक्सेल को रीओपन करता हूँ एक बार, क्योंकि काफी टाइम से रीओपन नहीं हुआ है। मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम सेल्स का बता रहा है कि हमने सेल्स किया, तो सेल्स में हमारा सेल्स की एक यूनिक आईडी, हमारा डेट, कौन सा प्रोडक्ट, किस कस्टमर को कितनी क्वांटिटी में बेचा गया है, सिंपल सा।
तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही कुछ डेटा, सिंपल डेटा बना लेता हूँ। हमने डेट डाल दिया कि इस डेट को बेचा क्या है। प्रोडक्ट में हमने पांच प्रोडक्ट लिस्ट जो है यहाँ पे रख देता हूँ, पांच का लिस्ट, पांच को रैंडम में डाल दिया तो पांच ही नंबर एक दूसरे से हुआ है। और यहाँ हमने कस्टमर की आई डी यहाँ पे डाल दिया, रेंज एक से लेके पांच कस्टमर भी है। और यहाँ पे और ये रहा हमारी क्वांटिटी, यहाँ इतने क्वांटिटी सॉरी इतने क्वांटिटी बिका है। अब मेरे पास बीच में क्या है कि कस्टमर का लिस्ट हमने दिया हुआ है, ओके, लेकिन कस्टमर का डिटेल हमने दूसरे सीट पे दे दिया, क्योंकि अगर मैं इसमें कस्टमर का डिटेल डालूंगा या फिर मान लीजिए प्रोडक्ट का डालूंगा तो काफी बुरा डेटा हो जाएगा और रिपीटेड हो जाए। मान लीजिए सिंपल सी बात है कि हमने कस्टमर यहाँ पे कस्टमर ही ले लेते हैं कि यहाँ पे कस्टमर सी आई डी वन से लेके फाइव तक हम यहाँ पे रख देते हैं। इमेजिन कीजिएगा कि ऐसा क्यों, इसको बोलते हैं डेटा सिंपलाइजेशन। नेम यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे हमने दे दिया लिमिट, लिमिट होगी कस्टमर। तो अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास तीन एक्स्ट्रा कॉलर है, राइट? तो यहां पे क्या है कि सिर्फ पांच बगल पांच बार लिखा हुआ है, लेकिन इसी चीज को हम डेटा में डाल देंगे तो जितने कस्टमर कितने बार कस्टमर है हमारा, तो ये आपके 138 बार है, मतलब कि तीन नए कॉलम हटेंगे और एक ही टॉपिक जो है 338 बार रिपीट हो जाएगी। कि दो यहां भी होगा, दो यहां भी होगा, दो वहां होगा, इससे क्या होगा कि आपके डेटा काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि यहां पे जस्ट एक कोड लिख दिया जाता है और दूसरे सीट में डिटेल लिख दी जाती है, जब जरूरत पड़ती है तो इस कोड से डिटेल को उठा लिया जाता है। और सेम ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी किया गया है, आईडी नेम एमआरपी, ठीक है, ए एम आर पी होगी। अब मुझे रिपोर्ट बनानी है, सिंपल सी बात कि ये हमारा मान लो डीवीडी का पेन ड्राइव का मान लीजिए डेटा है, तो हमें बताना है कि किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बेचा गया है। तो तीनों अलग अलग हो गए। अब क्वांटिटी के रिकॉर्ड यहाँ पे है, कस्टमर का रिकॉर्ड इस सिस्टम में है और प्रोडक्ट का रिकॉर्ड इस सिस्टम में। तो यहाँ पे कोड वाइज तो है बट हमें कोड वाइज नहीं, उसके नेम वाइज चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वन कौन कस्टमर है, फाइव कौन सा प्रोडक्ट है, ये नहीं पता है, इस चीज का नाम आना चाहिए। तो इसको लगाने का तरीका समझिए, एक तो है आपका कि जो इससे पहले मैंने बोला कि मैं इंसर्ट करूंगा पिवट, और पिवट टेबल में मैं यहाँ पे एड डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक करूंगा, एक पिवट लग गया, फिर ऐसे ही कस्टमर को लूंगा और फिर कस्टमर का भी इस तरह से पिवट टेबल ऐड डेटा टू डेटा पिवट टेबल में डेटा मॉडल में कर दूंगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास अब फिलहाल तो तीन है, हो सकते हैं पांच सात सीट हो, तो सबकी जो रिलेशनशिप मुझे यहाँ करनी है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप करने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। और दूसरी बात है कि जितने जितने मैं ऐड करूंगा उतने पिवट बनते चले जाएंगे। सो नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ सोल्यूशन निकले। इसके लिए हम यूज करेंगे पावर पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल। अब पावर पिवट टेबल ऐसे नहीं आएगा, इसको आपको ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये डायरेक्ट है नहीं। दूसरी बात, ये 2007-10 में नहीं है, 13 से अवेलेबल है। तो फाइल में आप जाइए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ कस्टमाइज रिबन आपको नहीं, कस्टमाइज एड इंस, आप एड इंस में आइए और एड इंस में आपको यहाँ
कॉम एडिंग्स को सेलेक्ट कर लीजिए, क्या सेलेक्ट कीजिएगा, कॉम एडिंग्स एंड गो पे जाइए और यहां देखिएगा पावर पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका यहां पे पावर पिवट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है यहां मैनेज, एक मिनट, मैनेज पे क्लिक, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल जैसा ही एप्लीकेशन आपको खुल के आ जाएगा। जी हाँ, एक्सेल जैसा ही एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। ओके, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, वन बाय वन डेटा को, अब इसमें देखिए एक डेटा हमने ऐड कर रखा होगा तो इसमें डेटा लेवल होगा मोटर, इसमें एक भी नहीं है, वो मैं पेपर डिलीट कर दिया था ना इसलिए। हाँ, तो अब क्या करना है आपको, वन बाय वन डेटा को सेलेक्ट कीजिए बिना पिवट लगाए। यहाँ देखिए ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, डेटा मॉडल मतलब कि इसमें जब ऐड करेंगे ओके करेंगे तो ये आपके यहाँ इस पे आ जाएगा। इसका नाम टेबल से इसको सेल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप आपके तीन चार पांच छह जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स को सेलेक्ट कीजिए और डेटा यहां पे ऐड डेटा टू डेटा मॉडल और ओके कर दीजिए। यहां पे टेबल हमारा कस्टमर, ऐसा रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रो, इसको प्रोडक्ट के लिए गया पावर पिवट और यहां पे ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, उसका नाम दे दिया हमने प्रोडक्ट। तीनों के बीच में रिलेशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहां आपको दिखेगा डायग्राम व्यू। अब इस डायग्राम व्यू पे जाइएगा, तीनों टेबल जो है इस तरह से, क्योंकि डेटा मोड में नहीं, इस मोड में आपको दिख जाएगा। अब इसमें क्या है कि मेन हमारा कौन सा है, इस चीज को देख लीजिए, आपका मेन जो है, आपका मेन है सेल्स, ठीक है, सेल्स मेल है। तो सेल्स जो है कनेक्टेड है, कनेक्ट करना है हमें दो अलग अलग सीट से। तो जैसे कि यहां देखते कस्टमर देखते हैं तो ये पी आई डी सी आई डी सॉरी कस्टमर की सी आई डी इसकी सेल्स की सी आई डी कस्टमर की सी आई डी के बराबर है, बस इसको उठा के इस पर ड्रॉप कर देना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। और सेम पी आई डी को उठाना है और प्रोडक्ट पे छोड़ देना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। राइट, हो गया रिलेशन। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। जी हाँ, जैसे कि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, मैं वापस डेटा व्यू पे आता हूँ, हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे सेल्स आपको दिख रहा है आपको, तो सेल्स में मुझे क्वांटिटी, हमें इस पे एमआरपी से अमाउंट निकालना है ताकि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो हमने यहाँ पे एमआरपी रखा और जैसे एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला होता है ऐसे यहाँ पे रिलेटेड का फॉर्मूला होता है, इसका रिलेटेड का। तो रिलेटेड और रिलेटेड में हमने बोला कि इसका प्रोडक्ट का एमआरपी हमारा और यहां पे फिर दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने बोला एमआरपी मल्टीप्लीकेशन कि क्वांटिटी नहीं इसका, हाँ क्वांटिटी क्यू टी वाई मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, हमारी यहां हमारा एमआरपी आ गया। ऐसे आपको जो टैक्स वैक्स सब कर सकते हैं, राउंड माउंट सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट में जब हो जाए तो उसको वापस आप यहां पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, ये आपका पिवट टेबल पे आ जाएगा।
यहाँ पे आप तीनों रखिए। यहाँ से मैंने कस्टमर का नेम रख दिया, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम रख दिया, और यहाँ से हमने मान लीजिए MRP 2 आ गया, क्वांटिटी रख दीजिए या फिर रेवेन्यू रखना है तो आप रेवेन्यू भी रख सकते हैं, MRP 2 रेवेन्यू है। तो तीन अलग डेटा में मेरा बन गया, और इसमें जैसा मर्जी वैसा हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। समझ आ गया डाउट इसमें? मल्टीपल नहीं समझे नहीं, मतलब अभी हमने किया जैसे एक सीट में मास्टर सीट है वहाँ पे सर CID का CID से किया है, और फिर उसी मास्टर से जो हमारी सेल्स वाली है उधर PIR से किया है, CID से किया है, तो उस लेवल पे हम मल्टीपल लेयर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा हमसे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके आज की क्लास में हमने आपको पावर पिवट टेबल के बारे में बताया, और कल से हम बाकी इंसर्ट के बाकी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम कल बात करेंगे इस इलस्ट्रेशन के बारे में, एडिंग्स के बारे में, और थोड़ी बहुत चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स को हम पढ़ाएंगे आपको फॉर्मूले के बाद, क्योंकि चार्ट से ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो फॉर्मूले के बाद पढ़ाएंगे। बाकी पेज लेआउट में कुछ नया खास सीखने को है नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, फिर भी एक क्लास हिस्ट्री भी दे दूंगा, उसके बाद हम फॉर्मूले, दो क्लास बाद हम फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ओके बाय।